आज हम बात करेंगे 2017 की टर्किश फिल्म आयला द डॉटर ऑफ वॉर के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है सुलेमान नाम के एक टर्किश सिपाही की, जिसे वॉर के दौरान एक छोटी कोरियन लड़की मिली थी, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। फिल्म की शुरुआत होती है 1950 के साउथ कोरिया में, जहाँ सियोल नाम की एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ एक गाँव में रहती है। अचानक वहाँ कुछ प्लेन्स अटैक करके वो इलाका तबाह कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया के सिपाही वहाँ आकर गांव वालों को बंदी बना लेते हैं और सियोल को बचाने उसकी माँ उसे छिपाकर बाहर चली जाती है। पर वो सिपाही सियोल के माता पिता के साथ साथ गांव के दूसरे लोगों को भी मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं टर्की में रह रहे एक आदमी सुलेमान को, जो अपने दोस्तों के साथ सैर करने निकलता है। रास्ते में सुलेमान एक लड़की नूरान को देखता है, जो उससे प्यार करती है। वो इस बात से परेशान थी कि कोरियन वॉर के चलते सुलेमान को आर्मी में बुलाया जा सकता है और उसे कोरिया जाना पड़ सकता है, और ऐसा ही होता है। वो रात को नूरान से मिलता है और उसे समझाता है कि उसका कोरिया जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को टर्की की मदद की जरूरत है। पर वो इस बात से डरती है कि वो सुलेमान को खो देगी। सुलेमान अपने माता पिता को भी टेलीग्राम के जरिए ये बात बताता है, और सुलेमान और उसका दोस्त अली अपने ब्रिगेड के साथ कोरिया के लिए निकलते हैं। वो हर रोज नूरान अपने माता पिता और अपने दोस्तों को टेलीग्राम के जरिए सब कुछ बताता है, ताकि उन्हें उसकी फिक्र ना हो। सुलेमान एक ऐसा इंसान है जो किसी को भी मारना नहीं चाहता और अमन और शांति में विश्वास रखता है। वो चींटियों को भी नहीं मारता, और ये देखकर उसके सुपीरियर को समझ नहीं आता कि ऐसा आदमी वॉर में अपने आप को कैसे संभालेगा। कोरिया पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जबरदस्ती साउथ कोरिया में घुस रही है, और अब टर्की सिपाहियों को बॉर्डर पर जाकर लड़ना होगा। वो देखते हैं किस तरह पूरे कोरिया को खत्म किया जा रहा है, और कुछ वक्त बाद सुलेमान का सुपीरियर उसे आके कहता है कि अमेरिकन सिपाहियों का कहना है कि वॉर खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों में वो लोग घर वापस जा पाएंगे। पर तभी नॉर्थ कोरिया के प्लेन्स उन पर अटैक करते हैं, और उन्हें समझ आता है कि यह कुछ भी ठीक नहीं। वहाँ पर कम्युनिकेशन के सारे जरिए बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से वहाँ के हालात बाहर के लोगों को पता नहीं थे, और ये खबर फैला दी गई थी कि कोरिया का वॉर खत्म हो चुका है। नए ऑर्डर्स लेने के लिए सुलेमान और उसके ब्रिगेड के 3 लोगों को भेजा जाता है, पर उन्हें छिप छिप कर वहाँ से निकलना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। बचते बचाते वो लोग एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिर्फ लाशें दिखती हैं, और आगे जाकर उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। जब सुलेमान उस आवाज का पीछा करता है, तो उसे पता चलता है कि वो आवाज एक छोटी बच्ची की है, जो अपनी माँ की लाश के पास बैठी थी। सुलेमान उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता, और इसीलिए उसे उठाकर वो अपने साथ ले आता है। बच्ची को बचाकर वो लोग अपने कैंप पहुंचते हैं, जहां जनरल से बात करने वो लोग अंदर जाते हैं। सुलेमान कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की साउथ से है या नॉर्थ कोरिया से, जरूरी ये है कि उसे जल्द से जल्द खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो लोग उस लड़की का नाम नहीं जानते, और इसीलिए सुलेमान उसे आयला नाम देता है, जिसका मतलब चांद होता है। टर्की सिपाहियों को पता चलता है कि अब चाइना नॉर्थ कोरिया का इस लड़ाई में साथ दे रहा है, और साउथ कोरिया के लिए अमेरिका और टर्की लड़ रहे हैं। आयला को खाना देकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, और अब वो हर वक्त सुलेमान के साथ रहती है और उस पर भरोसा करने लगी है। सुलेमान भी उसे किसी और को सौंपना नहीं चाहता और अपने पास रखना चाहता है। गाड़ी ठीक करते हुए जब वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, तब कुछ सिपाही उन पर छिपकर गोलियां चलाते हैं, और आयला को खो देने के डर से सुलेमान बंदूक उठाता है। पर क्योंकि वो खुद किसी को मार नहीं सकता, वो एक भी गोली चलाए बिना उनसे लड़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। उन्हें चाइनीज सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर सही वक्त पर सुलेमान उन्हें बचा लेता है। और अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वॉर फिर से शुरू हो गई है। हॉस्पिटल में जब सुलेमान को होश आता है, तो उसे बताया जाता है कि 1 मिनट के लिए भी आयला ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और पूरी रात वो उसी के पास बैठी रही।
साउथ कोरियन सिपाही चाहते हैं कि टर्किश सिपाही उनके बच्चों को ना संभाले, क्योंकि पहले से ही टर्किश उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पर जब ये बात सुलेमान को बताई जाती है तो वो कहता है कि वो आयला को अपने साथ ही रखना चाहता है। उसे कहा जाता है कि उसकी बहादुरी के लिए उसे मेडल दिया जाएगा, पर उस सेरेमनी में आयला उसके साथ नहीं जा सकती, इसीलिए उसे यही सादिक के पास छोड़ना होगा। पर आयला को समझाने पर भी वो उसकी बात नहीं समझती। सादिक आयला को संभालने लगता है, पर जैसे ही उसकी नजर हटती है आयला गाड़ी में जाकर छिप जाती है। टर्की सिपाहियों को साउथ कोरिया से मेडल्स मिल रहे थे कि तभी गाड़ी से निकलकर आयला वहाँ आती है और उसे देखकर फैसला किया जाता है कि जब तक आयला का परिवार नहीं मिलता उसे सुलेमान के साथ रहने दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनने पर भी नूरान को सुलेमान की फिक्र थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इस बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। आयला और सुलेमान अब हर वक्त साथ रहने लगते हैं और आयला उनके ब्रिगेड का हिस्सा बन जाती है। सुलेमान उसे अपनी बेटी की तरह संभालने लगता है और आयला भी उन सबके साथ रह रहकर धीरे धीरे टर्किश भाषा सीखने लगती है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लोग पहली बार आयला की आवाज सुनते हैं। और हर कोई उसकी आवाज सुनकर इमोशनल हो जाता है। आयला को पढ़ाते पढ़ाते सुलेमान को समझ आता है कि आयला उसे अपना पिता मानने लगी है। सादिक छिपकर गांव वालों से पैसे और पार्ट्स इकट्ठा करके बाइक बना रहा था, पर उन सिपाहियों को गांव वालों से चीजें लेने से मना किया गया है और सादिक के इस काम को अपराध माना जा सकता है। सादिक समझाता है वो ये सब आयला के लिए नई चीजें बनाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसकी भी एक बहन है और वो आयला को अपनी बहन मानता है। कुछ दिनों बाद उन्हें छुट्टी मिलती है और वो लोग बेहतर महसूस करने के लिए आयला को लेकर टोक्यो जाते हैं, जहां आयला को बहुत अच्छा लगता है। पर हर किसी को अब इस बात की फिक्र थी कि जब कुछ वक्त बाद उन्हें वापस टर्की जाना पड़े, आयला उन्हें और वो आयला को कैसे भूल पाएंगे और आयला को पीछे कैसे छोड़ पाएंगे। जब वो लोग वापस कोरिया जाते हैं तो सादिक सुलेमान को बताता है कि कुछ गांव वाले हैं जो आयला के परिवार के हो सकते हैं और वो जल्द से जल्द आयला को वापस पाना चाहते हैं। सुलेमान उसे कहता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए और उन गांव वालों से बात करने सुलेमान खुद जाता है, पर वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि ये दुश्मन की चाल थी और उसे बंदी बना लिया जाता है। जब अली को इस बारे में पता चलता है तो उसे बचाने के लिए अली और सादिक गांव जाते हैं और उसे सही वक्त पर वहाँ से निकाल लिया जाता है। सादिक अपनी बाइक पर उन दोनों को लेकर वापस आता है, पर इस बारे में किसी भी सीनियर को नहीं बताया जाता। अली को मैरिलिन मोनरो बहुत पसंद है, पर उसकी ड्यूटी की वजह से वो उसके कॉन्सर्ट में नहीं जा पा रहा था और वो चाहता था कि उसकी जगह कोई और ड्यूटी करे। पर सुलेमान उसे समझाता है कि आयला को वहाँ से बाहर ले जाना जरूरी है और सुलेमान उससे वादा करता है कि वो उसके लिए मैरिलिन मोनरो का ऑटोग्राफ लेकर आएगा। आयला की मदद से वो लोग अली के लिए ऑटोग्राफ ले लेते हैं और उन्हें वो मिल जाता है जो अली हमेशा से चाहता था। पर ठीक उसी वक्त ड्यूटी करते वक्त अली को गोली लगती है और सुलेमान अपने सबसे करीबी दोस्त को खो देता है। कोरिया में आए टर्की सिपाहियों को एक साल पूरे हो जाते हैं और उन्हें वापस बुलाया जाता है, पर सुलेमान वहाँ और रुकने का फैसला करता है और उसे छोड़ उसके ब्रिगेड का हर कोई घर वापस जाने लगता है। और कुछ वक्त बाद नए सिपाही वहाँ आते हैं। नूरान के रिक्वेस्ट पर सुलेमान के लिए रेडियो पर एक गाना बजता है, जो सुनने के बाद हर किसी को पता चलता है कि सुलेमान और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये पता चलने पर सुलेमान की बचपन की दोस्त निमित का दिल टूट जाता है। गाना सुनकर वो आयला से कहता है कि वो वापस जाएगा, पर आयला को अपने साथ लेकर जाएगा। पर जब उसे वापस भेजा जाता है तो उसे आयला को पीछे छोड़ने के लिए कहा जाता है। उससे कहा जाता है कि एक कोरियन टीचर है जो आयला को अपने बनाए अनाथ आश्रम में रखेगी और उसे पढ़ाएगी, पर सुलेमान कहता है कि आयला को ये बात समझाने में वक्त लगेगा और वो उसे खुद उस अनाथ आश्रम में छोड़कर आना चाहता है।
वो आयला को लेकर उस स्कूल में जाता है और वहाँ पहुंचकर उसे समझाता है कि वो अब बड़ी हो रही है और उसका स्कूल जाना जरूरी है। सुलेमान और उसका सुपीरियर आयला को स्कूल में छोड़कर निकलने की तैयारी करते हैं और जाते जाते सुलेमान रोने लगता है, पर उसे जाते देख आयला फिर से उसके पास आ जाती है और सुलेमान उसे साथ ले जाने का वादा करता है। वो उसे एक बैग में छिपाकर शिप पर ले जाता है और चेकिंग के दौरान सुलेमान बैग ले जाने में कामयाब हो जाता है। पर फिर वहाँ उसका सुपीरियर और कोरियन टीचर आते हैं जो उससे आयला के बारे में पूछते हैं और इस वजह से आयला के बैग में होने का सच बाहर आता है। सुलेमान को इसके लिए सजा तो नहीं मिलती, पर उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। पर सुलेमान अब भी उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता और तब उसका सुपीरियर उसे कहता है कि अभी के लिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए और कुछ साल बाद वो आयला से मिलने आ सकता है। रोते हुए आयला और सुलेमान एक दूसरे से अलविदा कहते हैं और सुलेमान जाते जाते वादा करता है कि वो जल्द ही उसे वापस लेने आएगा और उसके बाद वो लोग कभी अलग नहीं होंगे। और ना चाहते हुए भी सुलेमान को टर्की आयला के बिना आना पड़ता है। वापस आने पर उसे पता चलता है कि नूरान की सगाई हो चुकी है। नूरान कहती है कि वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाई क्योंकि सुलेमान ने कोरिया में रहने का फैसला कर लिया था और वो नूरान के बारे में भूल चुका था। अपने शहर में सब कुछ बदलता देख सुलेमान अपने माता पिता के पास इस्तांबुल जाने का फैसला करता है क्योंकि ना तो उसका दोस्त अब जिंदा है और ना ही नूरान उसके साथ है। वो अपनी बचपन की दोस्त निमित से शादी कर लेता है जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए चुना है और एक नए घर में शिफ्ट होता है, पर अब भी वो खुश नहीं रह पाता। उसकी पत्नी निमित जानती है कि वो आयला को ढूंढ रहा है और उससे इस बारे में बात करने के लिए कहती है। नूरान उसे कभी समझ नहीं पाई, पर निमित उसकी आयला को ढूंढने में मदद करना चाहती है। वो हर जगह आयला की खोज में लग जाती है और कोरियन एम्बेसी वाले सुलेमान से मिलने के लिए मान जाते हैं, पर वो उससे कहते हैं कि आयला नाम की लड़की को ढूंढा नहीं जा सकता क्योंकि वो नाम टर्किश है और अब तक आयला का नाम बदल दिया गया होगा। सुलेमान को लगने लगता है कि आयला अपने नाम की तरह अपने पिता को भी भूल चुकी होगी, पर निमित उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है और कहती है कि जल्द ही वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। पर इस बात को 47 साल बीत जाते हैं और सुलेमान और निमित अब भी उसे ढूंढ नहीं पाते। भूकंप आने पर जहां शहर के लोग अपने परिवार संभाल रहे थे, वहां सुलेमान आयला के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और उसकी चीजें संभाल कर अपने पास रख रहा था। वो अब भी अपने उस वादे के बारे में सोचता है जो उसने आयला को किया था और मरने से पहले अपना वादा पूरा करना चाहता है। साल 2002 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान साउथ कोरिया और टर्की के बीच के मैच में भी वो आयला को ढूंढ रहा था। अपने पिता के इस खोज से सुलेमान की असली बेटी परेशान हो गई थी और चाहती थी कि वो आयला को ढूंढना बंद कर दे, पर सुलेमान हर वक्त आयला के बारे में ही सोचता रहता है। और अगले दिन निमित उसे बताती है कि किसी रिपोर्टर का कॉल आया है जो सुलेमान की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती है और आयला को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है, और सुलेमान की कहानी सुनने पर वो आयला को ढूंढने निकलती है। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आयला के स्कूल में पढ़ते थे। वो बताते हैं कि आयला एक एंथम गाया करती थी जो वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी और ये सुनकर सुलेमान रोने लगता है। सुलेमान की बेटी उस रिपोर्टर से कहती है कि वो अब वहाँ आना बंद कर दे क्योंकि वो अब उस लड़की के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती, और ये सुनकर सुलेमान को बहुत बुरा लगता है, पर वो समझता है कि उसकी बेटी उसे खोना नहीं चाहती। ठीक उसी वक्त उस रिपोर्टर को पता चलता है कि एक औरत है जो अपने आप को आयला बता रही है और वो उस औरत से मिलने के लिए मान जाती है, पर इस बारे में सुलेमान को नहीं बताया जाता। जब वो उस औरत से मिलती है तो उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है और तस्वीरें देखने पर उस औरत यानी कि आयला को सब कुछ याद आ जाता है और ये साबित हो जाता है कि वो औरत सचमुच आयला ही है। आयला अपने पिता को जल्द से जल्द देखना चाहती है और 2010 में सुलेमान को आयला से मिलाने कोरिया लाया जाता है। पूरे 60 सालों बाद सुलेमान अपनी बेटी आयला को देखता है और देखते ही उसे पहचान जाता है। चाहे उसे आने में बहुत देर लगी हो, पर सुलेमान ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी आयला के पास वापस आया और उस दिन के बाद वो कभी उससे अलग नहीं हुआ। Thank you.
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।